ऑलमोस्ट हम लोग का 1.5 घंटे का सफर है। मैं पूरे रात सोया नहीं हूँ। भटकने वाली है भाई। ऑल अराउंड 1 घंटे बाद फिनिश आवर। इस बार मंजिल में भी मजा है और सफर में। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग की तरफ। तो गाइस, आज का दिन थोड़ा सा थोड़ा नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का दिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल। और लिटरली मैं पूरे रात सोया नहीं हूँ इस एक्साइटमेंट में कि आज फाइनली वो दिन आ चुका है। तो गाइस, अभी मैं आपको रिवील नहीं करूँगा कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, पर हाँ, लिटरली जहाँ भी जा रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग जगह है। तो बने रहिए और चलिए देखते हैं कहाँ जा रहा हूँ मैं। फाइनली गाइस, हम लोग मैजेस्टिक पे पहुंच चुके हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ऑल अराउंड 1 घंटे बाद। तो गाइस, अभी हम लोग के ग्रुप का, मैं बोल सकता हूँ छोटे मोटे ग्रुप का वेट हो रहा है। तो मेरे दोस्त लोग अभी आने वाले हैं, और फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेडिकल का स्टॉप किधर है, और उसको वोमिटिंग का शायद प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को बोले कि वोमिटिंग के लिए मेडिसिन ले लेंगे। सो फाइनली गाइस, हम लोग को वोमिटिंग का दवाई मिल गया। तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चक्कर काट दिया था एक्चुअली, गया बाहर फिर खोज के आया, फिर देखा कि बाहर तो कुछ है भी नहीं। तो सोचा जब बाहर नहीं है तो अंदर ही कुछ होगा, तो फाइनली अंदर मेरे को मिला। इसको कहते हैं बगल में छोरा, पूरे गांव में डेंगू हो रहा। वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता कभी वोमिटिंग का, पहले पड़ता था पर अब नहीं। तो अब जस्ट वेटिंग हो रहा है कि हाँ वो लोग अब आए, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। वैसे मंजिल में उतना मज़ा नहीं है बस जितना सफ़र में है, बट द थिंग इज इस बार मंजिल में भी मजा है और सफर में, तो सबसे मजेदार चीज ये है। तो चलिए अब वेट करते हैं, तब तक आप इधर का मैजेस्टिक का नज़ारा देखिए और मजे करिए। फाइनली गाइस, हम लोग को बस मिल गया। एक्चुअली उधर वाला जो बस था ना, उसमें ज़्यादा क्राउड था और ज़्यादा मेस था, तो इसीलिए हम लोग ये जो दूसरा बस है हम लोग बोलिए हैं। तो यहाँ से अब ऑलमोस्ट हम लोग का 1.5 घंटे का सफ़र है। तो अभी जैसे दोस्त लोग अभी थोड़ा बाहर गए हुए हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पर, इसलिए। तो चलिए देखते हैं सफ़र में आगे और क्या क्या होता है। फाइनली अब हम आ चुके हैं वंडरेला में। तो ये था आज का हमारा सरप्राइज, जैसे आपको मालूम हो ही गया होगा, और पीछे आप देख रहे हैं मजा आ रहा है इनको भी। तो गाइज, एक चीज लिटरली मैं भूल गया था कि जैसे हम लोग का भी एग्जाम खत्म हुआ है, बाकी सबका भी एग्जाम खत्म हुआ है, तो सब लोग आज कुछ ज्यादा ही जोश में और भीड़ में दिख रहे हैं। तो शायद आज भटकने वाली है हमारी, क्योंकि टिकट में गॉड, वो देखो ये टिकट काउंटर दिख रहा है कितना क्राउड है। तो गाइज, ये मेरा वंडरेला में पहला एक्सपीरियंस है, जिससे मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा बाय द वे, पर मेरे से ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी मज़े करने वाले हैं।
ये हमारी पूजा जा रही। सो फाइनली गाइस हम लोग को अपना लॉकर नंबर मिल गया और साथ में टिकट भी। तो दीदी क्या बोलना चाहोगी? कुछ नहीं। कोई ना, दीदी का पहला एक्सपीरियंस है तो फिर भी। और ये देखो, इसको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, ये लोग खा लेंगे। मेरे लिए गिफ्ट क्या मैनुअल है क्या? खा जाओ क्या? भूख लगी है वैसे। पाउच चले, पाउच लेने। सो गाइस अभी फिलहाल पाउच लेने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी ये सारा पोछा उछा भी रखना है, सच में कपड़ा दर्द कर रहा है ये सब चीज़ लेके। समर के टाइम पर हिसाब से ज़्यादा भीड़ हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा लॉकर नंबर कौन सा है? 677। और किधर है 677? की रहा पूजा। ये पूजा हमारी थोड़ी गुस्सा हो गई है, क्योंकि हम लोग इसको बस में अकेले छोड़ दिए थे, और वैसे भी कुछ बनता है तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा भी मन बोल कुछ बोलेंगे यार दीदी, आप क्या बोलोगे? हमारी लॉकर की चाबी। तो गाइस हो गया मस्ती, कुछ तो ज़्यादा हो गया, तो चले सीधा वंडरला में मस्ती करने, टिकट और कपड़े चेंज करने के बाद। बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। Not interested. अरे सो फाइनली गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा कि हाँ फाइनली हम लोग तैयार होकर आ गए हैं, इसलिए वाहियात था। तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा कि फाइनली हम लोग ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, और एक्चुअली ये लोग के लिए मेरे को बुरा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना जो पाउच था वो मेरे को दे दिया जस्ट बिकॉज अब मैं सूट करूँ इसीलिए। और ये लोग को देखो, ये लोग का पैर चल रहा है इसलिए ये लोग दौड़ के भाग। सो गाइस लेट्स सी आगे क्या क्या होता है, और लिटरली मजा बहुत आने वाला है यार, कुछ भी बोलो। और यहाँ का जो नज़ारा है वो हो नेक्स्ट लेवल, लिटरली नेक्स्ट लेवल। तो पूजा क्या बोलना चाहोगी हमारे व्यूअर्स को? हाय, ये पागल इंसान है। हम बहुत दुखी है भाई। कोई नई बात नहीं है, कोई ना। ये क्या मिनी शावर? मिनी शावर किधर गया? मिनी शावर मेरे को दे थोड़ा। हाँ तो अब फिलहाल इसमें पाउच में डाल के उसके बाद मैं शूट करूँगा। मे बी शायद थोड़ा बहुत कैमरा क्वालिटी गिर सकता है, पर फिर भी चलिए देखते हैं कितना मज़ा आता है आज। बहुत गर्म है। तो कैसा लग रहा है? So, guys, are you ready? Yeah. Your first ride. मेरा first ride है। Wonderla का। Wonderla का first ride। आज के दिन का पहला ride है।
और कैसा लग रहा है आपको? न्यू एक्सपीरियंस, मजा आ रहा है। डर लग रहा है? नहीं, मैं नहीं डरता। पक्का ना? हाँ पक्का। आपकी शक्ल तो ऐसा नहीं बता रहे। शक्ल पे 12 बजे है वो अलग बात है। आगे देखने का क्या हालत होगी तुम्हारी? क्या हुआ? सच में जब उल्टा रखेगा ना तो मैं मोबाइल ऐसे पकड़ लूंगा। राम 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 राम। उसके बाद मैं गाना गाऊंगा, आज मैं ऊपर दुनिया नीचे। फिलहाल जो क्राउड लग रहा है वैसे देख कर तो पता नहीं चल रहा है कि हाँ जाना सही होगा या नहीं। चलिए अभी पूछते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले जन्म के बाद।